गाइस, वेलकम टू द चैनल। और वीडियो के टाइटल से आपको पता ही चला होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो हाँ जी, तो हम आपको आज बताने वाले हैं कि चेन क्लीनिंग और ल्यूप कैसे करते हैं। तो इतने दिन तो आप मेरे ट्रैवल की वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन ये तो हमने पहले ही सोचा था कि हम सिर्फ ट्रैवल की वीडियोस नहीं, ट्रैवल के आसपास जैसे आपकी गाड़ी है उसका बेसिक मेंटेनेंस आप कैसे करें इसके बारे में बताएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको चेन क्लीनिंग और ल्यूप के लिए क्या लगता है। तो बड़े बेसिक से आपको टूल्स लगेंगे, तो मैं बताता हूँ टूल्स में क्या है। सो गाइस, ये है स्पैनर। तो मेरी गाड़ी में 8 का स्पैनर लगता है। तो ये 8 का रिंग है, ये फिक्स है। ये 8 का स्पैनर है, इसको बॉक्स स्पैनर बोलते हैं। इसके अलावा ये टूथब्रश है पुराना, जिससे हम स्क्रब करेंगे चेन को। ये स्प्रे गन है जिसमें डीजल है, और ये चेन लूब है। इसके अलावा मैं हमेशा माइनस और प्लस के स्क्रूडर साथ में रखता हूँ। ये प्लायर्स है जो काम में आ सकता है, और ये 10 का फिक्स पैनर है जो आपको लग सकता है। तो ये काफ़ी बेसिक सा टूल किट है जो आपके घर पे होता है, या तो बहुत बार तो आपकी गाड़ी में भी होता है। तो अभी हम नीचे चलते हैं। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं क्लीनिंग। तो गाइस, मैं काफ़ी सालों से ये कर रहा हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप गाड़ी मत चालू कीजिए और व्हील घुमाते घुमाते आप इसको डीजल मारिए। पहले तो मैं इसका फ्लो कंट्रोल करता हूँ। ओके, दिस इज़ अ गुड इनफ। तो मैं ये चेन को अभी अच्छी तरह से डीजल में वेट करूँगा। ये अच्छी तरह से डीजल में भीगने के बाद उस पर जो मट्टी या फिर ग्रीस जो पुराना है, ख़राब हुआ है, ये लूज़ हो जाएगा, ताकि आपको क्लीनिंग में आसानी हो। इसको थोड़ी देर ऐसे घूमने देते हैं और फिर हम सेकेंड राउंड डीजल मारेंगे। करते समय आपकी उंगलियों का ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चेन में फंसनी नहीं चाहिए। और जैसे मैंने कहा था, मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इंजन ऑफ करके व्हील हाथ से घुमाते घुमाते इसे साफ कीजिए। ये आप ब्रश देखोगे, ये गंदा दिख रहा है, लेकिन हर बार हम इसे साफ करके रखते हैं, ये उसका कलर ऐसे हो गया। इसमें जो मट्टी या ग्रीस फंसा हुआ है उसको, इंजन ऑफ कर देता हूँ। एक बार हम देख लेंगे। ये हमने न्यूज़पेपर लाया है ताकि हम इस पर सामान रख सकते हैं।
फिर से गाड़ी शुरू करते हैं। आप इसे कंटिन्यू मत मारिए, बीच बीच में इसको थोड़ी देर घूमने दीजिए ताकि डीजल अच्छी तरह से सब यहाँ पे स्प्रेड हो। गाइस देख सकते हो चेन काफी साफ हो चुकी है। अब हम इसे इस कपड़े से साफ करेंगे। गाइस आप देख सकते हो कि हमने अभी ये हमारा लोकेशन चेंज किया है। तो लोकेशन चेंज करने की वजह ये थी कि जहाँ पे हम चेन क्लीन कर रहे थे वहाँ पे धूप आ गई, तो हम हमारे बिल्डिंग के पीछे की तरफ आए हैं। तो आप देख सकते हो चेन कितनी साफ़ सुथरी हो गई है, सुपर क्लीन। इतनी साफ़ होने की वजह ये थी कि हमने इसे वाटर जेट से फिर वापस क्लीन किया ताकि जो भी थोड़ा बहुत जो कचरा हो वो सब निकल जाए। तो अगर आपके पास सुविधा है वाटर जेट की तो आप वाटर जेट से साफ़ कर सकते हैं, या तो नज़दीक में कोई वॉशिंग सेंटर है वहाँ पे भी आप जाके इस पर क्लीन कर सकते हैं, इस पर पानी मार के इससे पूरा पूरा कचरा निकाल सकते हैं। सो गाइस हमने इस चेन को पानी से तो साफ़ किया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार से कपड़े से क्लीन करता हूँ ताकि थोड़ा बहुत जो भी रेसिड्यू है पानी का उसे खींच ले। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आपको ये इंजन ऑफ करके करना है। तो ये चेन अभी अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है, अभी हम ल्यूब का प्रोसेस शुरू करते हैं। इंजन स्टार्ट किया है और अच्छी तरह से शेक करेंगे एंड देन विल स्टार्ट लूपिंग। तो आप जब लूप करते हो तो इसे इंटरवल्स भी कीजिए, थोड़ा कीजिए फिर रुकिए, लेट दी जो भी आप ल्यूब जो डाल रहे हैं ल्यूब को स्प्रेड होने दीजिए, फिर उसको रिपीट कीजिए। और दूसरी वजह यह है कि मैं ये बीच के जो सेक्शन में मैं ल्यूब कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जब ये आप पीछे की तरफ ल्यूब करते हो यहाँ पे, तो ये ल्यूब का जो स्प्रे है रेसिड्यू ये पूरा आपकी व्हील पे उड़ता है और फिर वो निकलता नहीं है।
और फिर क्लीन व्हील क्लीन करने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो गाइस आप जब भी ल्यूब स्प्रे कर रहे हो तो इंजन ऑन मत कीजिए। जैसे मैंने पहले कहा था, मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, मुझे आदत है इसके लिए, मैं ऐसे इंजन स्टार्ट करके करता हूँ। लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हो तो अनलेस एंड अनटिल आपको पूरी तरह से इसे अच्छी तरह से आपका हाथ नहीं बैठता है, तब तक आप इसके मत कीजिए। तो गाइस चलो, अभी हमारा ये चेन लूप हो चुका है। तो रिकमेंडेड ये है कि आप एवरी 300 किलोमीटर्स लूप करें और एवरी 1500 टू 2000 किलोमीटर्स आप चेन क्लीन कीजिए। अब देखोगे कि यहाँ से ये टीथ दिख रहे हैं, ये जो टीथ दिख रहे हैं ये इंटैक्ट हैं। दिस आर द साइंस ऑफ हेल्दी स्पॉकेट। आपको यहाँ से दिखेगा नहीं कि बस ये छोटा सा एक कॉर्नर है जहाँ से ये टीथ दिखते हैं इसके। सो दिस आर द साइंस ऑफ अ हेल्दी पॉकेट। जब ये वेयर आउट होता है तो ये जो एजेस दिख रहे हैं ये पूरे नुकीले हो जाते हैं। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। सो गाइस चेन लूप हो चुकी है और यह हमारा पहला वीडियो है जिसमें हमने DIY डू इट योरसेल्फ वीडियो है, जहाँ पे हमने आपको बेसिक मेंटेनेंस बताया है गाड़ी के बारे में। तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर।